बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया स्टेट फंड की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इंग्लिश एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया था, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन एमसीक्यूज बैंक के नाम से, और हमने सिलसिला शुरू किया था सेंटेंस कंप्लीशन का। आज इसका पार्ट फोर है और इसके बाद एक और वीडियो, मजीद एक और वीडियो सेंटेंस कंप्लीशन पर होगी दोस्तों, और उसके बाद न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। हर टॉपिक पर 100 वीडियोस बनाता जाऊंगा। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 नंबर क्वेश्चन को जरा देखें। दिस डिजीज इज, डू नॉट सिट नियर हिम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, ठीक है। कॉन्टिजियस, इसके मानी है मुतअद्दी, यानी जिस्म से लगने वाली, फैलने वाली, जिस तरह ये कोविड है हमारे पास, कोरोना वायरस, ये कॉन्टिगुअस मुतअद्दी बीमारी है, जो जिस्म से लगने वाली बीमारी है। कहते उसके करीब मत बैठे, डिस्टेंस से बैठे, डिस्टेंस पैदा करें। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है कॉन्टेगुअस, इसका मानी मुलहक, जो शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 62 देखे। 62, ही हैज ऑल द मेजरीज हीरोइकली, यानी उस पर जितने भी मुश्किलात आए हैं उसने हीरोइकली, हीरो की तरह बर्दाश्त किए हैं। तो बर्दाश्त के लिए एक बॉन पैदा होना और दूसरा बॉन बी ओ आर एन ई, बर्दाश्त करना, ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 63 देखे। हिज सिंप्लिसिटी इज वन ऑफ हिज क्वालिटीज, बच्चों की तरह, चाइल्ड लाइक, हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, ऑप्शन बी लगेगा, चाइल्ड लाइक। और क्वेश्चन नंबर 64 देखे, 64 नंबर क्वेश्चन को। आई डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंट, एक ये देखे ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी है। आप थोड़ा सा मेहरबानी करके ए और बी, इन दोनों में डिफरेंस जरा जाके गूगल पर देख लें कि इनमें क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 65 देखे। 65, माय लैंड इज टू योर लैंड, अब ये देखे वही अल्फाज आगे, मुलहक, बिल्कुल करीब, शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर, ये ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 66 देखे, 66 नंबर। आई हैव टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कंटिन्यूअली, मुसलसल रिमाइंड करना पड़ता है मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 67 देखें, 67 नंबर क्वेश्चन को। टाइम अलोन विल दोज अनप्लीजेंट मेमोरीज इफेस, ऑप्शन ए मिटा देना। टाइम अलोन विल इफेस, यानी जो अनप्लीजेंट, नाखुशगवार यादाश्त है वो कैसे हमारे जहन से निकलेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरेगा तो मिट जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 68 देखे। ही इज फॉर प्रमोशन, ही इज एलिजिबल, ऑप्शन सी अहल है, और इसमें ऑप्शन एलिजिबल, उसमें ये स्पेलिंग गलती है उसमें, ठीक है, एलिजिबल ऑप्शन सी, वो प्रमोशन के अहल है।
और क्वेश्चन नंबर 69 देखें, एन अनाउंसमेंट ऑफ फर्दर इंक्रीज टैक्सेस इज, फर्दर इंक्रीज इन टैक्सेस इज इमिनेंट, ऑप्शन ए यहां पर लगेगा। और इसके मानी है दोस्तों, इमिनेंट के मानी आने वाले, यानी अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन। टैक्सेस में जो इंक्रीज जो अनाउंस है वो अभी अबाउट टू हैपन, बस जल्द ही अनाउंस होने वाले हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को देखे, ही हैज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एग्जॉस्टिव, मुकम्मल तौर पर, कामिल, फुली, ऑप्शन डी लगेगा। ही हैज एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, गॉड इज काइंड एंड ग्रेशियस टू ऑल सिनर हु रिपेंट, रिपेंट के माने पछताना, तौबा करना, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी लगेगा, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 672 देखते हैं, ही फ्लीव इन टू अ फरी, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, विन आई वुड नॉट लेंड हिम एनी मनी। क्वेश्चन नंबर 73 देखे, इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस वर्क्स ऑफ आर्ट स्पेशली पेंटिंग, आर्टिसन, कारीगर, ऑप्शन डी लगता है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 74 देखे दोस्तों, अबाउट 50 वर्कर्स वर डिक्लेयर बाय द फैक्ट्री मैनेजमेंट और रिडंडेंट, रिडंडेंट यानी पारिख कर देना, बेकार कर देना, नो नीड फर्दर, मजीद उनकी जरूरत नहीं है, नो लॉन्गर नीडेड। क्वेश्चन नंबर 75 देखे, He is such an that he is sure he will soon find a job. Pessimist, optimistic. Optimistic, किसी भी चीज की रोशन साइड को देखना, और pessimistic उस शख्स को कहते हैं जिस जो डार्क साइड को किसी भी चीज मामले को देखता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखे, 76 नंबर क्वेश्चन को, गवर्नमेंट डिडंट रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ पीपल्स फीलिंग ऑन दिस इशू, इंटेंसिटी के मानी है शिद्दत, गवर्नमेंट वो रियलाइज नहीं करता, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर देखे 77 को, योर रिमार्क्स आर नॉट टू द मैटर वी आर डिस्कसिंग पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मुनासिब को कहते हैं, आपकी जो रिमार्क्स है वो मुनासिब नहीं है इस मामले में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 78 नंबर देखते हैं, हिज कैपेसिटी फॉर फूड वॉज एबनॉर्मल, इज वोरेशियस, बहुत ज्यादा लालची कैपेसिटी, जो बंदर गजा की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो उसकी, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 79 देखे, द प्राइस ऑफ फूड हियर इज एग्जॉर्बिटेंट, बेहद ज्यादा है, ऑप्शन बी लगेगा, अनरीजनेबल हाई, बेहद ज्यादा। और आज की आखिरी क्वेश्चन को देखे, द रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, बेरोजगारी जो है ना इसको अहमियत देनी चाहिए गवर्नमेंट के पॉलिसी में, पैरामाउंट, ऑप्शन बी। और इसके माने हैं सबसे अहम, पैरामाउंट शुड बी, पैरामाउंट सबसे अहम होना चाहिए गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी में बेरोजगारी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।